ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सीधा सुधा ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 27 मार्च की श्रीवरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम एक प्लेन बुद्धि के द्वारा हम सेवा करें और स्व का बैलेंस रखें, ताकि हम औरों की सेवा अच्छे से कर पाएं। तो देखें परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में। हेडिंग में परमात्मा कहते हैं, प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी कौन है उसको आज हम पता करेंगे। सेवाधारी का मतलब ये नहीं कि आपने जाकर के किसी एनजीओ में सेवा कर दी, किसी धार्मिक स्थान पर सेवा कर दी। आप अपने जॉब में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, वहाँ पर भी आप सेवाधारी हैं। आप किस तरीके से सोचते हैं किसी के बारे में, किस तरीके से उससे वार्तालाप करते हैं और किस तरीके से कर्म करते हैं, एक्शंस करते हैं, वो भी दिखाते हैं कि आप सेवाधारी हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं या किसी को आप तंग कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। स्व की सेवा मतलब ये नहीं कि मैं मैला हूं और आपको मैं साफ कर रहा हूं, मैं अगर आपको छूंगा तो आप भी मैले हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि मेरे अंदर है अहंकार, ईर्ष्या, घृणा है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कैसे अपने आप के अंदर से अहंकार को, घृणा को, ईर्ष्या को निकाल सकते हैं। तो वो तो बात हुई नहीं, वो तो पंडित जैसे हो गए कि उसने मंत्र पढ़ दिए लेकिन उसको ये नहीं पता उसका मतलब क्या है, और उस अनुसार वो अपने जीवन में जीवन शैली नहीं बना के रखा हुआ है, तो फिर वो तोते जैसा पंडित हो जाएगा। तो क्या हम तोते जैसा पंडित बनना चाहते हैं? चाहे हम अपने कर्म स्थल पर हों, चाहे हम अपने बिजनेस के स्थल पर हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हों, लोग हमें तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं वो एक समान हों, तब हम सच्चे सेवाधारी होंगे। तो परमात्मा कहते हैं, स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई है। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ कि अपने ऊपर तो फोकस नहीं किया, हम औरों को हेल्प कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, हमारी बैटरी ड्रेन आउट, ड्रेन आउट, ड्रेन आउट, ड्रेन आउट हो रही है, फिर इरिटेशन हो रही है ना, इतना सेवा कर दी, इतना कुछ कर दिया मैंने लेकिन मुझे क्या मिला इसके रिटर्न में, उसका मतलब क्या हो गया, आपकी बैटरी ड्रेन आउट है। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हों, मतलब कि आप परमात्मा से प्रेम सुख शांति ले रहे हो और औरों की सेवा कर रहे हो। आज की दुनिया में परमात्मा से प्रेम सुख शांति लेने का तरीका या विधि आती नहीं है, तो इंसान जो जिसकी सेवा कर रहा होता है, जिसको मदद कर रहा होता है, उसी से प्रेम, उसी से सुख, उसी से शांति खोजना शुरू करता है, जिस कारण से टकराव होता है। मैंने इतना किया, तुमने कितना किया, ये बातें आ जाती हैं। मैंने इतनी सेवा करी लेकिन मैं अप्रिशिएट नहीं किया गया, ये बातें आ जाती हैं। परमात्मा कहते हैं, सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हों। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, किसने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने वाह वाह नहीं करी, किसी ने आपको स्टेज पे नहीं बुलाया, किसी ने आपको कोई अप्लॉज नहीं किया, मतलब किसी ने ताली नहीं बजाई आपके लिए, आपने कुछ कार्य किया अपनी जॉब में, बॉस के लिए कुछ किया, या आपने अपने बिजनेस में कुछ किया, सबॉर्डिनेट्स के आपकी प्रेज नहीं करी, आपके अंडर जो हैं कर्मचारी उन्होंने आपकी प्रेज नहीं करी, या आपके बॉस ने आपकी प्रेज नहीं करी, तो आप बड़े दुखी हो गए, आप डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि आपका परमात्मा से लिंक नहीं था, आपके उन आत्माओं से इच्छाएं थी। तो सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के, किसके निमित्त, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं और निर्माण मतलब कि नम्रचित हूं आत्मा में। हद का नाम हद का मान है ना, नाम मान शान होता है ना, हद का नाम हद का मान नहीं लेकिन निर्माण, निर्माण मीन्स नम्र। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा सब कुछ देते हैं, देते तो हैं लेकिन हमें लेना आता है क्या? उसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी का 7 दिन कोर्स करना पड़ेगा, और उनसे लेना कैसे सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति को वो आप सीखेंगे। यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। आप अगर किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो बॉस हो, चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, अगर वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उसके बाद में आप चेक करना कि आपके पास में सेम शुभ भावना है, सेम शुभ कामना है उनके प्रति। आपने किसी की सेवा करी, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चों ने माता पिता की सेवा करी हो, और उसके बाद में उनसे अप्रिसिएशन नहीं मिली, चाहे वो बच्चे से अप्रिसिएशन नहीं मिली, चाहे माता पिता से अप्रिसिएशन नहीं मिली आपको, तो फिर क्या आपके आपके उनके प्रति सेम भावना है, सेम भाव है? अगर नहीं है तो हमारी बैटरी डाउन है। तो इसलिए आपको परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो आज का ये श्री वरदान, इसके साथ ओम शांति।